नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको 18वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और आज 18वां अध्याय में है सुखदेव जी द्वारा सविता आदि के वितरांत का वर्णन। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमो। आज 18वें अध्याय में है सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतानोपत्ति का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान से सुनो, उसे तुम ध्यान से सुनो। सविता देवता की प्रश्न नामक स्त्री से अग्निहोत्रादि तीन पुत्र और सावित्री आदि तीन कन्याएं, भंग देवता की सिद्धि नामक स्त्री से दो पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। धाता नामक देवताओं के यहाँ उर्गादिक चार कन्याएं और पूर्णमास आदिक चार पुत्र। अग्रदेव के यहाँ कृतिका नामक स्त्री से पुरुष आदिक पुत्र हुए। वरुण देव की चरसणी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषिवर पुत्र उत्पन्न हुए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। मित्रा वरुण देवता का वीर उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर पृथ्वी पर गिरा था, अतः उस वीर को घड़े में रख देने से अगस्त्य एवं वरिष्ठ जी ने जन्म लिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जन्म लिया। इंद्र की पुलोमा नामक स्त्री से जयंत आदि तीन पुत्र हुए। वामन भगवान की कीर्ति नामक स्त्री से शुभंग नामक पुत्र हुआ। कश्यप का दिति नामक स्त्री से हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष दो पुत्र हुए। हिरण्यकश्यप की कयादु नामक स्त्री से सिंह का नामक कन्या और सिंहलाद प्रहलाद और यह तीन पुत्र हुए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। सिंह का नाम कन्या विप्रचिति नामक दैत्य को ब्याह दी जिससे राहु नामक दैत्य हुआ। सिंहलाद का पुत्र पंचजन्य तथा प्रहलाद का पुत्र वातापा नामक दानव हुआ, जो अगस्त्य जी द्वारा मारा गया था। प्रहलाद ने महिषासुर तथा वासकल्य दो पुत्र हुए। प्रहलाद का एक पुत्र विलोचन हुआ और प्रहलाद अगस्त्य मुनि द्वारा मारा गया। प्रहलाद ने महिषासुर तथा वासकल दो पुत्र हुए। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन की देवी नामक स्त्री से राजा बलि का वितरासुर आदि दो पुत्र हुए। विरोचन की देवी नामक स्त्री से राजा बलि के वाणासुर आदि दो पुत्र हुए। कश्यप की स्त्री दीति से मरुद गण आदि 49 पुत्र उत्पन्न होकर देवराज के समान देवता बने। इतना वितरांत सुनने के बाद राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव मुनि, दीति के पुत्र दैत्य होते हुए भी इंद्र के समान देवता कैसे हो गए? अतः आप कृपा कर उस कथा को कहिए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्री नारायण जी ने वारह तथा नरसिंह अवतार धारण कर दीति के तीनों पुत्र हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यपु का संहार किया था, तब दीति ने अत्यंत करुणा करते हुए अपने हृदय में सोचा कि मेरे दोनों पुत्र तो इंद्र ने मरवा दिए, अतः अब मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे यहाँ इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो जाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इसी कामना से दीति अपने पति कश्यप जी की सेवा बड़े प्रेम से करने लगी। तब एक दिन कश्यप जी ने उनसे प्रश्न होकर कहा, हे दीति, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रश्न हूँ, अतः तुझे जो अच्छा लगे वही वर मांग ले मेरे से।
वही वर मांग ले मुझसे। पति के ऐसे वचन सुनकर दीति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रश्न है तो मुझे वही वरदान दीजिए कि मेरे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मारकर सदैव अमर बना रहे। दीति के ऐसे वचन सुनते ही हिरण्यकश्यप जी ने उदास मन में विचार किया कि मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, अब क्या करूँ। इंद्र नारायण जी का परम भक्त है, अतः उसके प्राण लेना उचित नहीं और मेरा वचन भी मिथ्या नहीं हो सकता। ऐसा मन में विचार कर कश्यप जी बोले, हे दीति, यदि तू गोप मास अघन व्रत करे तो तेरे अवश्य ही ऐसा पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर दीति ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे उस व्रत की विधि बतला दीजिए, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगी। कश्यप जी बोले, हे दीति, गोप मास के शुक्ल पक्ष के उस व्रत को प्रारंभ करके नित्य प्रति ब्रह्मचर्य से रहे। इस व्रत में दिन में सोना नग्न होकर स्नान करना। इस व्रत में क्या क्या करना है? इस व्रत में दिन में सोना नग्न होकर स्नान करना, शूद्रों से सभासन करना, फिर से बाल सिर के बाल खुले रखना तथा मिथ्या भाषण करना वर्जित है। हर समय शुद्ध रहें। श्री लक्ष्मी जी, नारायण जी एवं सावित्री आदि सतियों की विधिवत पूजा एवं वर्ष प्रयत्न नित्य करनी चाहिए। इस प्रकार यदि तू यह व्रत करे तो तेरा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सकता है जो इंद्र को मारकर अमर बना रहे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। परंतु यदि श्री नारायण जी की ऐसी इच्छा न हुई तो तेरे व्रत में विघ्न पड़ जाएगा। ऐसा वचन सुनकर दीति प्रश्न होकर विधिवत व्रत करने लगी। जब इंद्र ने यह समाचार सुना तो यह अत्यंत भयभीत होने लगा और हृदय में सोचा कि यह तो निश्चय ही मेरी मृत्यु का संयोग बन पड़ा है, अतः अब मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकता। ऐसा मन में सोचकर इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर दीति के घर गया और आठों पैर उसकी सेवा करने लगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव की जय हो। आधा कल सुनाऊंगी बड़ा।